हूँ आपके साथ आरामदा से। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है, जहाँ बताया जाता है कि कई जिलों में गधे का मांस का सेवन किया जा रहा है। इससे बताया जा रहा है कि गधे के मांस का सेवन करने से पौरुष शक्ति में बेहद बढ़ावा आएगा। आपको बता दें, बहुत तेजी से गधे के मांस, गधे का कत्ल करके उसका मांस खाया जा रहा है। अवैध रूप से रूस में गधे का कत्ल करके महंगे दामों में बेचकर गधों का मांस खाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। इंसान लगभग हर जीव का मांस खाता है। हमारे भारत देश में चिकन खाना तो आम बात है। आपको बता दें, इस समय जिस चीज की मांग सबसे ज्यादा है वह है गधे की मांस। जी हाँ, आपको बता दें, गधों का अमूमन बोझ ढोने का कार्य होता है, लेकिन इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें कोई अपने घरों में भी नहीं पालता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुसार गधे फूड एनिमल के तौर पर पंजीकृत नहीं है। इन्हें मारना अवैध है। आंध्र प्रदेश में गधे विलुप्त होने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। यहां पर गधों को मारकर उनके अवशेषों को नहरों में फेंका जा रहा है। इससे लोगों की सेहत को लेकर खतरा पैदा हो गया है। मवेशियों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एनिमल रेस्क्यू संगठन के सचिव गोपाल और सुरबाथुला ने बताया कि गधों को खाद्य जानवर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। ऐसे में इनका कत्ल करना पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम की धारा 11 और भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में गधों के मांस की मांग बढ़ने से इनकी संख्या में भी खास गिरावट आई है। साल 2012 में आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक गधे मौजूद थे, लेकिन साल 2019 में इनकी संख्या गिरकर 5,000 से नीचे आ गई है। ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से गधों की तस्करी की जा रही है। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सुरबाथुला ने एनजीओ ने गधे के मांस के अवैध व्यापार की सूचना पुलिस को दी है। सुरबाथुला ने कहा, राज्य सरकार को गधों की रक्षा करनी चाहिए। कानून लागू कर गधों को खाने की प्लेट तक जाने से बचाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो लोगों को गधों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाना होगा। उनकी शिकायत पर प्रतिक्रिया करते हुए पश्चिम गोदावरी में पशुपालन के संयुक्त निदेशक जी ने प्राइम न्यूज 24 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट।